फतेह के साथ इस हादसे ने मिलवा ही दिया फतेह और तेजो को। तेजो ने साफ साफ फतेह से कह दिया कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती, तो यही देखकर फतेह भी पूरी तरीके से इमोशनल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। फाइनली उड़ारिया में वो घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार आप सबको बेसब्री से था। भाई आप सबको पता ही है कि जो तेजो और फतेह हैं वो अभी अलग हो चुके हैं तेजो की याददाश्त आने के बाद, लेकिन तेजो जो है वो सब कुछ समझ चुकी है और तेजो को पता चल गया है कि फतेह उससे बहुत प्यार करता है। फैंस जो हैं वो लगातार यही जानना चाह रहे थे कि आखिर कब दोनों मिलने वाले हैं, तो बस अब जो है 28 और 29 तारीख को ये मिलन आप देखेंगे जहां पर तेजो और फतेह मिलने वाले हैं एक दूसरे से। होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो फतेह है उसके ऊपर एक हादसा होने वाला है, फतेह के ऊपर ये बिल्डिंग गिरने वाली है और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरती है जो तेजो होती है वो बहुत तेज चिल्लाती है फतेह, और फिर यहाँ पर फतेह को इस बिल्डिंग से बाहर निकालती है और फिर यहाँ से कहती है अपने दिल की बात। यहाँ पर वो कहती है कि फतेह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है और आई लव यू वगैरह बोलती है। ये सुनकर फतेह जो है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है और बस यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। फाइनली इतना इंतज़ार था और अब इस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तेजो और फतेह जो है वो फाइनली अब मिलने वाले हैं और इसी के साथ ही साथ अब जितनी भी चीज़ें हैं वो अब अच्छी होने वाली हैं। यह अलग बात है कि जैस्मिन की हरकतें जो है वो बीच बीच में आप सबको देखने को मिलेंगी, लेकिन फाइनली तेजो और फतेह जो है वो एक दूसरे के हो चुके हैं। भाई अभी तक तो आप सब यही देख रहे हैं कि फतेह जो है वो बहुत परेशान है तेजो के लिए, और इधर तेजो जो है वो शादीवादी नहीं मान रही है, उसने जो है वो मंगलसूत्र वगैरह भी वापस कर दिया है, ये सब कुछ जो है वो तेजो ने कर दिया है। तो वहीं पर फतेह जो है वो साफ साफ ये बोल चुका है कि वो इंतज़ार करेगा तेजो का, तेजो को लगातार वो याद कर रहा है। तो वहीं पर आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो फतेह है उसने जैस्मिन को कड़ी सज़ा भी दे दी है, उसकी सारी आवाज़ को उसने रिकॉर्ड कर लिया है, उसने एक एक चीज़ जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और फतेह के सामने जैस्मिन जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और इसी बीच जो है आप देखेंगे कि कैसे जो है तेजो करने वाली है फतेह का साथ देने वाली है और जैस्मिन को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली है। इसी के साथ ही साथ फैंस जो लगातार सोच रहे थे कि कब तेजो और फतेह मिलने वाले हैं, तो फाइनली तेजो और फतेह जो है वो मिलने वाले हैं। प्रोमो आउट होने के बाद फैंस को तसल्ली हुई है और आप सब देख रहे हैं कि तेजो भी फतेह को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो बस इस प्रोमो के बाद फैंस को थोड़ी तसल्ली हुई है और साथ ही साथ अब जो है दोनों की बॉन्डिंग यूँ ही देखने को मिलने वाली है। दोनों मिलकर किस तरह से जैस्मिन का पूरा खेल ख़त्म करने वाले हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और वाली जो तेजो फतेह की कहानी है वो किस मोड पर ले जाती है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल फतेह और तेजो के फैंस के लिए बेहद गुड न्यूज़, आप अब जल्द देखने वाले हैं फतेह और तेजो का ज़बरदस्त मिलन, जिसे देखने के बाद आप सब होने वाले हैं बहुत ज़्यादा खुश। और फाइनली जैस्मिन एक बार फिर से अपनी हाथ मलती नज़र आने वाली है। वेल जैस्मिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला चुकी है, उसने देख लिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अपने मुँह से बोल चुकी है कि ना तो मैं विर्क फैमिली की बच्ची और ना ही मैं अपने घर की बच्ची हूँ, और वो देख लीजिए उसकी क्या हालत हो गई है, स्टोर रूम में कैसे अपना वक्त बिता रही है। उसे बार बार यही लग रहा है कहीं फतेह सबको सारी बातें बता ना दे जिसके बाद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आने वाला टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त आप सबको ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है उड़ारिया में।